तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है 16 जून, सुबह के बजे हैं 7 और हम लोगों का टाइम हो गया निकलने का। अभी हम लोग अपनी गाड़ी को रेडी कर रहे हैं और यहाँ से हमारा सफ़र है सिर्फ 80 किलोमीटर का। ठीक है, उड़ते हुए जाना है बस। अब कहाँ पर उड़ते हुए जाना है? अब हम उड़ते निकलेंगे। 80 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर कवर करना है ना। हाँ, 2 घंटे के अंदर कवर करना है। अब आपको मिलेंगे हम पहुँचने के बाद और रास्ते का सीन भाई दिखा देंगे। बोलो भाई। देखो भाई, मैं बताते चलते हूँ। ये भाई कर तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं रूम में से। अभी हमें जाना है 80 किलोमीटर और थोड़ा ठंडा मौसम है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बजट बताता हुआ चलूँगा। आपको एंड में एक चार्ट डाल दूँगा बजट का, जो आप देख के पता कर सकते हो कि हाँ, यहाँ आने में कितना बजट लग सकता है। तो हम लोग गुप्त काशी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे ही थे, तो हमने रूम से निकलते वक्त नाश्ता भी नहीं किया था। तो हमें चलते हुए रास्ते में मिला लंगर। तो हम इस लंगर में जाके अब करेंगे पेट पूजा, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे की ओर। चले चले भाई, वो नहीं होगा भाई, मात मान ले। तू हेलमेट भी तोड़ देगा फिर उसके चक्कर में। हेलमेट तो टूटेगा नहीं यार, मैं सोच रहा हूं। स्टार्ट है क्या भाई? और ओके, तो पेट पूजा करके हम चल पड़े आगे की ओर। रास्ते में हमारा कैमरा ऑफ था, हमने ध्यान दिया नहीं। तो अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग से कुछ 5 किलोमीटर पीछे और मेरे कैमरे की बैटरी भी हो रही है लो। तो अभी जहाँ तक ये कैमरा चल रहा है वहाँ से तो मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कैमरा सोनप्रयाग तक पूरा रन कर पाएगा। हेलो फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं सोन प्रयाग और थक गए हैं अभी से ही। 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ी हमने बस। ये हमारा ब्लॉगर पीछे, बिल्कुल ना पानी ऐसा लग रहा है एकदम कुछ है ही नहीं अब शरीर में। 100 मीटर ही चले हैं बस अभी हम। और पीछे हमारा अब्दुल, अब्दुल फर्स्ट टाइम आया है अब्दुल तो, और मैं तो आ चुका हूँ 3-4 बार। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और ये हमारा ब्लॉगर तो है ही, आया हूँ पर बाहर से ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रहा है बस। तो अभी हम लोग पहुंच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड से हम चल रहे हैं पैदल, यहाँ से हमें 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। गौरीकुंड से हम चले हैं अभी 500 मीटर दूर। गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते हालत खराब हो गई। चलो अब आपको नज़ारा दिखाता हूँ। हाँ, ये नज़ारा है गौरीकुंड। ये मार्केट है गौरीकुंड का। अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है भाई। अभी हमें चढ़े 2 किलोमीटर। और भाई ये भाई है, मर गया भाई, चला नहीं जा रहा अब, बहुत ज़्यादा दिक्कत। देख अब्दुल भाई, अब्दुल काजी यही है भाई, सरोही। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जंगल चट्टी पे और यहाँ घोड़े वालों ने बहुत परेशान कर रखा है।
हाँ हूँ कर दो भाई, मुझे भी दिखा दे यार। छोटा सा नाइग्रा फॉल हमारा वाला भाई, बहुत बर्फ है, पानी नहीं है, बर्फ है। थक गया भाई, चल गए पैर हाथ सुन्न हो गए सब। अब्दुल भाई बोल रहा था, ये अब्दुल अब्दुल मेरा वाला अब्दुल अलग है, ये भाई अब्दुल है, अब्दुल भाई नहाते नहीं है इनको। तो चलते चलते हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब हिम्मत हार मान चुकी थी। कई बार तो मन किया कि यहीं से वापस चला जाऊं, पर फिर भी कैसे ना कैसे मैंने हिम्मत जुटा के कदम आगे की ओर बढ़ाया और चल पड़ा आगे की ओर। तो गए हम लोग पहुंचे हैं रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी है, रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी है कितने किलोमीटर बाद पता नहीं, 8 किलोमीटर साल है। बोल जल्दी बोल। अभी हमें बहुत ऊपर चढ़ना है। हाँ हाँ, ये दिखा ना सर। हेलो गाइस, अभी हम लोग 3 किलोमीटर दूर है मंदिर से। मेरे को दिखाने, देख लो भाई अब्दुल भाई को दिख नहीं रहा भाई साहब कुछ भी, मुझे इसलिए चश्मा लगा रखा है मैंने रात में। मेरे को हमारा मौसम खराब होने की वजह से भी गीले हो गए, टाइम की ऐसी कैसी हो गई, ठीक है। और बस अब हम लोग बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर बाद है, बाकी यहाँ का बर्फ देखिए। ये बर्फ है, बस हमें यहाँ से किसी भी तरीके से सही समय आगे बढ़ना है। कितने बज रहे भाई टाइम, तेरे फोन में देखना हमें क्या पता है। बज रहे हैं 7:30। अब्दुल मेरा भी ले लेना। हाँ, ये अब्दुल भाई, अब्दुल को दिखा पहले। ये अब्दुल भाई हमारे, और अभी हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है क्योंकि रास्ता नजर आ रहा है, बस चलते ही जा रहे हैं, बाकी और कुछ तो नजर नहीं आ रहा। बाकी पीछे हुआ एक्सीडेंट, खच्चर पर से गिर गई लड़की। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप में, और हमने लिया है कैंप छोटा सा मोटा सा। ये हमारे दोनों भाई बंधु, एक फ्लैश जला के बैठा ताकि अंधेरा ना हो। अब्दुल नाम है, एक अब्दुल है, दूसरा राजेश है। और हमें मिला इस तरीके का टेंट है, देख लो ये टेंट पड़ा 800 रुपये है ना, 800 रुपये। और हम चाहते हैं कि ये हमारे पैर दबा दे तीनों के। और ये हमें मिले हैं स्लीपिंग बैग जो कि अंदर से बर्फ की तरह ठंडे हैं, बाद की बात में देखेंगे ठंडे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई आप बताओ आपकी कोई टिप्पणी, बोलो अब्दुल भाई। नहीं जी कोई टिप्पणी नहीं। अरे गफ्फार मियां बोल दो कुछ तो, बोलो तो सही है। तो अब्दुल भाई तो घोड़ी की तरह बस भागे जा रहे हैं। चलो गाइस गुड नाइट, बाय बाय टाटा, अब मिलेंगे सुबह, आपको मिलाएंगे केदारनाथ में। ये है केदारनाथ के पहाड़। ओए अब्दुल भाई निकला है भाई। तो गाइस अभी हम लोग उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे 5:30, और हमें जाना है थोड़ा और आगे। क्यों भाई? तो हम लोग मंदिर से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे थे। ये नज़ारा देख के आपको कैसा भी लगा हो, लेकिन हमारी जितनी भी थकान थी वो सब दूर हो गई। और जब आप मंदिर तक पहुंचोगे तो आप ये सब भूल जाओगे कि आप 22 किलोमीटर पैदल चल के या फिर किसी भी परेशानियों को झेल के ऊपर आए हो। मंदिर को देखते ही एक अलग सी फीलिंग सी दिल में आती है, जैसे कि आप किसी को नहीं जानते, सिर्फ भोले बाबा को जानते हैं और भोले बाबा सिर्फ आपको जानते हैं। बस यही जादू है यहाँ का। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा मंदिर की ओर। तो भाई हम लोग पहुँच गए
तो भाई अभी हम लोग बैठे हैं केदारनाथ के बिल्कुल बाहर। ये अब्दुल भाई हमारे हमारे केदारनाथ के पहाड़। अभी हमारे दर्शन हुए नहीं क्योंकि एक बंदा हमारा लाइन में लगा हुआ है, वो लगा है बहुत पीछे। यहाँ पर की जा रही है ठीक है, भीड़ भी बहुत जम कर रहे हैं। तो यहाँ पर VIP एंट्री के चक्कर में हर 5 मिनट बाद लाइन को रोक दिया जा रहा है। यार मेरे मानने में ना ये VIP लाइन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब जब एक VIP पर्सन घुस रहा है तब तब लाइन को रोक दिया जा रहा है। कम से कम उस VIP पर्सन को पूजा करने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो एक सिंपल आदमी का नंबर आने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जा रहे हैं। और ये है भीमशिला। कहते हैं जब 2013 में जल प्रलय आया था तो ये चट्टान पहाड़ों से लुढ़कते हुए मंदिर के पीछे आके रुक गई थी और उस बाढ़ से मंदिर की रक्षा की थी। और यह है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने ही चारों धामों की स्थापना की थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ के हेलीपैड पे, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अब नीचे की तरफ, और मैं आपको बजट डाल दूँगा लास्ट में। इसके जस्ट बाद आपको बजट दिख जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। सर पे हाथ।